बच्चों अपन ने पिछली क्लास में त्रिगुणित जीवन चक्र के बारे में पढ़ा था। आज मैं द्विगुणित जीवन चक्र के बारे में बताऊंगी, डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल। द्विगुणित जीवन चक्र इस प्रकार का जीवन चक्र साइफोनिक्स गण के कुछ सदस्यों फ्यूकल्स गण में तथा डाई एटम्स में पाया जाता है। इस जीवन चक्र की प्रमुख विशेषता दीर्घकालीन द्विगुणित अवस्था है। अगुणित जीवन चक्र के विपरीत इसमें अगुणित अवस्था अल्पकालीन होती है। सार्गेसम फ्यूकस द्विगुणित जीवन चक्र के प्रमुख उदाहरण हैं। इसमें थैलस द्विगुणित बीजाणुभित होता है। इनमें उत्पन्न होने वाले नर्व स्त्री जननांग द्विगुणित होते हैं, जिनमें अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात अगुणित नर तथा स्त्री युग्मक बनते हैं। निषेचन की प्रक्रिया द्वारा नर तथा स्त्री युग्मक संयोजित होकर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं। इस प्रकार द्विगुणित अवस्था पुनः स्थापित हो जाती है। युग्मनज के द्विगुणित केंद्रक में अनेक समसूत्री विभाजन होते हैं तथा अंततः द्विगुणित बीजाणुद्भिद का निर्माण होता है। इस प्रकार जीवन चक्र में अगुणित प्रावस्था केवल युग्मकों में पाई जाती है तथा श्रेष्ठ प्रावस्थाएं द्विगुणित होती है। यह लाइफ साइकिल क्लेडोफोरा फ्यूकस सार्गेसम और डायएटम्स में पाई जाती है। पादप द्विगुणित होता है, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन से युग्मक बनते हैं। युग्मक परस्पर संलयन द्वारा युग्मनज बनाते हैं तो अंकुरित होकर नए पादप को जन्म देते हैं। एग्जाम्पल एसिटाबुलेरिया क्लेडोफोरा ग्लोमेरेटा। अब मैं इसका चित्र बनाऊंगी डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल का। यह है स्पोरोफाइट बीजाणुद्भिद। बीजाणुद्भिद हमेशा कैसा होता है? द्विगुणित अवस्था में। इससे गैमेट एंजियम युग्मक धानिया होती है। बीजाणुद्भिद पे बीजाणु युग्मक धानी होती है। युग्मक धानी कैसी? ट्रूवन। अब इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान बनते हैं मादा युग्मक नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं, जो कि अगुणित होते हैं। इन दोनों के निषेचन से युग्मनज बनता है। युग्मनज द्विगुणित होता है। युग्मनज के अंकुरण से सीधा बीजाणुद्भिद बनता है। तो इस पूरी लाइफ साइकिल के अंदर केवल ये वाली स्टेज है जहाँ पे एन अवस्था है, बाकी सब अवस्था 2N है। तो ये है द्विगुणित लाइफ साइकिल। अगुणित अवस्था केवल अल्पकालिक होती है और द्विगुणित अवस्था दीर्घकालीन होती है। इस कारण इसे द्विगुणित लाइफ साइकिल कहते हैं। अब तीसरे प्रकार की है डिप्लोहैप्लॉन्टिक
टाइप की लाइफ साइकिल डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इस प्रकार जीवन चक्र में सुविकसित युग्मोद्भिद व बीजाणुद्भिद थैलस पाए जाते हैं, इसलिए यह द्विगुणिता गुणित जीवन चक्र कहलाता है। इनमें ये दोनों प्रावस्थाएं लगभग बराबर समय तक रहती है तथा इनका आपस में एकांतरण होता है। दोनों प्रावस्थाओं में थैलस समान या भिन्न होते हैं। अगुणित युग्मोद्भिद थैलस का संबंध लैंगिक जनन से है, जबकि द्विगुणित बीजाणुद्भिद थैलस अगुणित बीजाणु उत्पन्न करता है। अगुणित व द्विगुणित थैलस की बाह्य आकृति के आधार पर दो प्रकार का हो सकता है। इसमें दो प्रकार की पाई जाती है, एक तो होती है आइसोमॉर्फिक का मतलब है समरूपी पीढ़ी एकांतरण, और दूसरी होती है हेटरोमॉर्फिक। विषम रूपी पीढ़ी एकांतरण तो दो प्रकार की होती है। ये तो पहली है समरूपी पीढ़ी एकांतरण या संप्रतिक द्विगुणिता गुणित जीवन चक्र कहते हैं। इस प्रकार के जीवन चक्र में आकारिकी के लक्षणों में समान अगुणित व द्विगुणित प्रावस्थाओं का एकांतरण होता है, इसलिए इसे समाकृतिक द्विगुणिता गुणित जीवन चक्र कहते हैं। एग्जाम्पल एक्टोकार्पस, क्लेडोफोरा, अल्वा, डिक्टियोटा। इन शैवालों में जननांगों का निर्माण अगुणित युग्मोद्भिद से युग्मोद्भिद में होता है। जननांगों में विकसित अगुणित नर व स्त्री युग्मक संयोजित होकर द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज के केंद्रक में अर्धसूत्र विभाजन नहीं होता है, यह सीधे अंकुरित होकर द्विगुणित बीजाणुद्भिद थैलस बनाते हैं। इस थैलस में बीजाणुथानियाँ विकसित होती है, जिनमें अर्धसूत्रण के पश्चात बीजाणुओं का विकास होता है। बीजाणु अंकुरित होकर पुनः अगुणित युग्मोद्भिद बनाते हैं। अगुणित युग्मोद्भिद तथा द्विगुणित बीजाणुद्भिद पादप बाहरी रूप से एक समान दिखाई देते हैं। प्रकृति में अगुणित युग्मोद्भिद प्रमुख पादप है। युग्मोद्भिद युग्मक बनाता है, द्विगुणित पौधा चल बीजाणु बनाता है, युग्मनज पौधे ही बीजाणुद्भिद में परिवर्तित होता है। अब इसकी लाइफ साइकिल, अब इसमें पहले युग्मोद्भिद पीढ़ी, जो कि कैसी होती है अगुणित, गैमेटोफाइट पे नर युग्मक व मादा युग्मक पाए जाते हैं। फिर इनके दोनों के फर्टिलाइजेशन से जायगोट बनता है, निषेचन की क्रिया से जायगोट बनता है। जायगोट कैसा होता है, 2N जायगोट से बनती है बीजाणुद्भिद होता है 2N। बीजाणुद्भिद से बनती है बीजाणुधानी, बीजाणुधानी भी कैसी थी 2N। बीजाणुधानी में मियोसिस होता है,
अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप मियोस्पोर्स बनते हैं। और ये कैसे होते हैं, और इसके अंकुरण से युग्मोद्भिद पादप बनता है। तो इसमें दोनों पीढ़ियां समान रूप से बराबर चल रही है, यहाँ एन है, ये एन है, यहाँ टू एन है, यहाँ टू एन है, इधर भी टू एन है। ये वाली जो पीढ़ी है यहाँ से यहाँ तक की वो एन है, और यहाँ से यहाँ तक की पीढ़ी टू एन है। तो इसका जो बाहरी रूप से एक समान दिखाई देते हैं, ये एगुणित युग्मोद्भिद और द्विगुणित बीजाणुद्भिद, इसलिए इसको समरूपी पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। तो ये ज़्यादातर इसमें एक्टोकार्पस, क्लेडोफोरो, अल्बा और डिप्टियोटा में पाया जाता है।